हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हायर सेकेंडरी स्टेज के में सोशल साइंस के स्टडीज़ के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंड स्टेज पर सोशल साइंस के टीचिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट उसको पहले देख लें, फिर यह हायर सेकेंडरी स्टेज के पास थर्ड वीडियो में देखना शुरू करेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसका पार्ट थर्ड, हायर सेकेंडरी स्टेज पर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। हायर सेकेंडरी स्टेज पर देखते हैं हम लोग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में। 10 ईयर्स ऑफ जनरल स्कूलिंग आफ्टर अ कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, द हायर सेकेंडरी स्टेज इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एज इट एफर्ट्स अ चॉइस ऑफ स्ट्रीम टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। 10 ईयर के बाद, 1 से लेकर 10 तक स्टडी कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद जो हायर सेकेंडरी स्टेज आता है 11th 12th के लिए, स्ट्रीम डिवाइड होती है आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो इसमें बच्चों को आज़ादी रहती है, वो अपने ज़रूरत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चुन सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। इस पैराग्राफ में द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथेंड एट दिस स्टेज बाय मेकिंग इट फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स विद द एम ऑफ नॉट ओनली इक्विपिंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ वर्क बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लिंकेज विथ हायर एजुकेशन। ये भी बता रहा है उसके बारे में जो स्ट्रीम हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो द नीड ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजनल कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इन अ प्रॉपर एंड केयरफुल मैनर। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आवर नेशनल स्टैंडर्ड्स टूडे शुड ऑल्सो बी एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन बाई डिजाइनिंग अ वेराइटी ऑफ कोर्स ऑफ स्टडीज, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड सर्कुलर आउटलाइंस, आइडेंटिफाइंग लर्नर्स लर्निंग आउटकम्स, प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑडियो एंड विजुअल एंड मल्टी मीडिया पैकेजेस एंड इनोवेटिंग इम्प्रूव इवेल्युएशन टूल्स। ये जो बच्चे स्ट्रीम डिवाइड करते हैं उसके बाद जो सिलेबस उसका किस तरह से कंसिडर किया जाता है, कैसा कंटेंट रखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कह रहा है। ए वैरायटी ऑफ कोर्स फ्रॉम द सोशल साइंस एंड कॉमर्स मे बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स एंड दे मे एक्सरसाइज देयर चॉइस कीपिंग द व्यू देयर इंक्लिनेशन एंड प्रेफरेंसेस। सब्जेक्ट एंड कोर्स नीड नॉट बी ग्रुप्ड इंटू अ सेपरेट स्ट्रीम बट स्टूडेंट्स मे बी गिवन द चॉइस ऑफ ऑप्टिंग फॉर सब्जेक्ट और कोर्स फ्रॉम एनी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नीड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। एट दिस स्टेज द सोशल साइंस विल इंक्लूड द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। हायर सेकेंडरी स्टेज पर जो सोशल साइंस की जो ग्रुप होती है, पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हुआ करती थी, फिर 9th में आकर इकोनॉमिक्स ऐड होती है, बट 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी सोशल साइंस के पार्ट में आ जाती है, इसमें कंटेंट में आ जाती है। कॉमर्स में इंक्लूड बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। तो इस चीज़ को हम लोग पहले मार्क्स कर लेते हैं कि हायर सेकेंडरी स्टेज पर सोशल साइंस में और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होते हैं। ऐसे तो ये सब पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी ये सब सोशल साइंस के ही पार्ट हैं, पर हर स्टेज पर इन सब को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन 11th में आकर आफ्टर 10th 11th में अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम ऐड कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो चाहे तो इस स्ट्रीम में साइकोलॉजी भी ले सकते हैं सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स में इंक्लूड बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी रहती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस कोर्स एट दिस स्टेज में भी, अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव पर आते हैं कि इस स्टेज पर सोशल साइंस के कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, फर्स्ट टू असिस्ट स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इन ऑर्डर टू चूज एप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी कोर्स एंड और करियर्स। ये जो बच्चे को एक्सप्लोर करता है उसके इंटरेस्ट को, कि बच्चा जो है अपने हिसाब से अपनी पसंद से एक एप्रोप्रिएट कोर्स को सिलेक्ट करे,
अपने या फिर अपने करियर के लिए, ठीक है। टू इनक्रेज देम टू एक्सप्लोर हाई लेवल्स ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन, इनक्रेज करता है बच्चे को उनके हाई लेवल के नॉलेज के लिए डिफरेंट तरह के डिसिप्लिनस में, ठीक है। टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। फोर्थ पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक डिसिप्लिनस एंड हेल्प देम अराइव एंड एट कंक्लूजन्स एंड टू जनरेट न्यू इनसाइट्स एंड नॉलेज इन द प्रोसेस। मेनली जो डेटा कलेक्शन होता है वो इकोनॉमिक्स वगैरह में होते हैं या फिर ज्योग्राफी में होते हैं। कहीं कहीं पे हिस्ट्री में भी डेटा कलेक्शन की बात होती है, जब हम पूरी तरह से एंशेंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो डेटा की बात हो गई। और इकोनॉमिक्स में डेटा और इकोनॉमिक्स में भी डेटा कलेक्टिंग की बात होती है और उसको फिर से एक्सप्लोर किया जाता है उसके डेप्थ में जाने के लिए, उसके अंदर का पता करने के लिए। तो ये जो है बच्चे को एक्सप्लोर करता है डेप्थ नॉलेज के लिए हायर स्टेजेस पर। ये कुछ चार पॉइंट थे, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं अप्रोचेस टू टीचिंग। इट इज़ नेसेसरी टू रिवाइटलाइज सोशल साइंस टीचिंग टू हेल्प द लर्नर एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स इन एन इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोल रहे हैं बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। डिस्कशन टाइप से डिस्कशन क्लास होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ पैसिव होकर बैठे हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ ऑफन बीन नोटिस दैट देर इज़ एन इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द प्रोमिस मेड इन द करिकुलम एंड वॉट इज़ हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परसेप्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड प्रोमोट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिएटिविटी अमंग बोथ चिल्ड्रेन एंड टीचर्स। यह ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर खुद जो है बच्चे मोटिवेट हों, अंदर से इंट्रेंसिक मोटिवेशन जिसको कहते हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ताकि बच्चा खुद ब खुद इस चीज़ को जानने के लिए आगे बढ़े और वो क्रिएटिविटी टाइप से अब उसके अंदर के नॉलेज जो है, उसके अंदर की सोच जो है बच्चे की, वो बाहर आ सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, द टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट्स इन अ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू स्टूडेंट्स। टीचर जो है इम्पॉर्टेंट मीडियम है, बच्चे को जो कंटेंट दिया हुआ है बुक में उसके कंसेप्ट को सिंप्लीफाइंग करने के लिए, उसके लैंग्वेज को सिंप्लीफाइंग करने के लिए। देयरफॉर टीचिंग शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू लर्न टुगेदर। इसलिए जो टीचिंग की प्रोसेस होती है उसमें देखा जाता है कि बच्चे और टीचर दोनों साथ साथ लर्न करते हैं, दोनों साथ साथ सीखते हैं। दस डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर विद इन इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशन है, जो क्लास है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, ताकि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को तो बच्चे के पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि बच्चे अपने जो क्वेश्चन है वो अराइज कर सके, अपने डाउट क्लियर कर सके, या फिर उनके अंदर जो नॉलेज है, जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है, वो टीचर के साथ शेयर कर सके। ऐसा नहीं कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो, सिर्फ टीचर बोल रहे हैं और बच्चे खामोश होकर सुन रहे हैं, तो इस तरह से क्लास में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगी। तो ये क्लास को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाएगा, इसको ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ऑटोक्रेटिक कल्चर कहते हैं। और जिस क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों की पार्टिसिपेशन इक्वल होती है उसको डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं, डेमोक्रेटिक क्लास कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग पार्टिसिपेटरी देयर इज़ अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द मेयर इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू इन्वॉल्वमेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, ठीक है। इसके लिए डिबेट और डिस्कशन मेथड भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें ग्रुप वाइज बच्चे को डिवाइड कर दें और बच्चे से डिबेट कराएं, क्या सही है क्या गलत है इस पर बच्चे डिस्कस करें, ये एक मेथड है। दिस अप्रोच टू लर्निंग विल कीप बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स अलाइव टू सोशल रियलिटीज़।
ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस तरह का जो टीचिंग अप्रोच है वो लर्निंग में लर्नर्स को और टीचर को दोनों को एक्टिव रखता है। अलाइव यहाँ पे ना अलाइव टू द सोशल रियलिटीज़, जो सोसाइटी की रियलिटीज़ है उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ का को अपने पॉइंट में रखने के लिए टीचर या लर्नर्स को अलाइव रखता है, एक्टिव रखता है। ये अप्रोच जो डिस्कशन और डिबेट मेथड होते हैं। कंसेप्ट शुड बी क्लैरिफाइड टू द स्टूडेंट्स थ्रू द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। जो कंसेप्ट हो वो बच्चे के लिविंग लिविंग एक्सपीरियंस के बेस्ड हो, या किसी कम्युनिटीज़ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, या किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, ताकि बच्चे जो हैं उसको क्लियर तरीके से समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल द कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वलिटी कैन बी अंडरस्टूड बेटर थ्रू सिटिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटीज दैट मेकअप द सोशल एंड कल्चरल मिलियू ऑफ द चाइल्ड। इट हैज़ ऑल्सो ऑफन बीन ऑब्जर्व द कल्चरल सोशल एंड क्लास डिफरेंसेज जनरेट देयर ओन बायसेस प्रेजुडाइसेस एंड एटीट्यूड इन क्लासरूम कंटेक्स्ट। ये जो होता है कि बच्चे को कल्चर से जोड़ के नहीं बताना, या फिर कोई सोशल और क्लास का डिफरेंसेस उस तरह से जनरेट नहीं करना, ताकि फिर बच्चे के कभी कभी ये कर लेते हैं इंसान, प्रेजुडाइस कर लेते हैं कि नहीं ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर ये कुछ कह रहे हैं, या तो ये बच्चे को मालूम है या फिर ये चीज़ बच्चे को समझ नहीं आएगी, तो किसी तरह से भी ऐसे ही अपना सिलेबस को पढ़ा के निकल जाना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जो भी कंटेंट है, जो भी चैप्टर है, उसको बच्चे के डेली लाइफ से, डेली कल्चर से, या जो उसकी कम्युनिटीज़ है, इंडिविजुअल्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से जोड़ कर बच्चे को बताना चाहिए। The approach to teaching therefore needs to be open-ended. ठीक है, टीचर शुड डिस्कस डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटी इन द क्लास एंड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस बोथ अमंग्स देमसेल्व्स एज वेल एज अमंग द लर्नर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल इन द क्लासरूम विल इंक्रीज द ऑटोनोमी ऑफ द टीचर वाइस वर्सा द टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्लानिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। जो सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टीचर लोग हैं, या जो भी है टेक्स्ट बुक जो हमारी होती है NCERT की, उसके बावजूद अगर कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो इनका उनको इजाज़त होता है कि वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ उस सप्लीमेंट्री मटेरियल को यूज़ करें, ऐसा ना कि सिर्फ सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज़ करें और टेक्स्ट बुक को किनारे कर दें। दोनों तरीके से, दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर साथ में पढ़ाना चाहिए अगर ज़रूरत है सप्लीमेंट्री मटेरियल की तब, और इससे इसको प्लानिंग करके एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट के साथ बच्चे को डील करना चाहिए। द नीड फॉर अ फाइनाइट सिलेबस टू इनकॉर्पोरेट इनफाइनाइट कल्चर एंड लोकल कंटेक्स्ट कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रो द जनरेशन ऑफ दिस मटेरियल्स। द नेशनल फोकस ग्रुप ऑल्सो डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट दैट द मिनिमल प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअरली क्वालिफाइड पारा टीचर्स हैव ऑन द लर्निंग ऑफ द डिसिप्लिन। ये सब तो टीचिंग अप्रोच से बाहर अब दूसरी बात आ गई। द लिंकेजेस बिटवीन एडिक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज नॉट ऑफन कमेंटेड अपॉन बिकॉज इंस्ट्रक्शन इन द सब्जेक्ट रिक्वायर्स नो ऑब्वियस स्पेस लाइक द वे इन विच अ लेबोरेटरी इन रिक्वायर्ड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस। हाउएवर द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज क्रिटिकली लिंक्ड टू द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी एंड ऑफ टीचर्स हु आर ट्रेन टू यूज द रिसोर्सेज दैट द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। इफेक्टिव टीचिंग जो होता है सोशल साइंस का, वो क्रूशली लिंक्ड होता है इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल पर। अगर स्कूल में सोशल साइंस रिलेटेड लाइब्रेरी है, सोशल साइंस रिलेटेड ट्रेन टीचर्स हैं, सोशल साइंस रिलेटेड लाइब्रेरी है जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें, उसके लिए अगर ये इफेक्ट, तब जाकर ये सोशल साइंस की इफेक्टिव टीचिंग में काम आता है। ये कहेंगे कि ये सोशल साइंस की इफेक्टिव टीचिंग हो रही है। अगर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें
इफ़ेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस करने के लिए वो लिंक्ड होनी चाहिए जो स्कूल का फंक्शन है या फिर जो स्कूल का कल्चर है, या स्कूल में उस तरह की लाइब्रेरी प्रोवाइड होनी चाहिए, स्कूल में ट्रेंड टीचर होने चाहिए, या फिर उस तरह के रिसोर्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होने चाहिए जिसमें के प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड्स कर सकें। दिस शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू कम्प्रीहेंशन थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो ऑनली टेक प्लेस इफ द टीचर इज एबल टू एक्सेस द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू द मीन्स रदर दैन जस्ट द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं या फिर ये एक्टिविटीज़ मेथड से टीचिंग ऑफ सोशल साइंस होता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है, इससे बच्चे के अंदर रोट लर्निंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है। बच्चे रट करके नहीं सीखते हैं। अगर आप मान लिया कि ज्योग्राफी में मानसून पढ़ा रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ा रहे हैं, और आप उसको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चे के आगे वीडियो वीडियो दिखा कर उसको बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ये चीज़ याद रहेगी कि जो सर ने हमें वीडियो दिखाया था उसमें सबसे पहले बारिश किस एरिया में इंडिया में शुरू हुई थी। तो ये चीज़ बच्चे को याद रखने की नहीं है, वो बच्चे के माइंड में खुद ब खुद घुस जाएगी, याद रह जाएगी कि हाँ सर ने जब वीडियो ऑन किया था, वीडियो जो हम लोगों को दिखाए थे, तो उसमें मानसून इस साइड से आया था और सबसे पहले साउथ में मानसून शुरू हुआ था, सबसे पहले साउथ में बारिश शुरू हुई थी। ये बात बच्चे को खुद ब खुद याद रह जाएगी, इसको बच्चे को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें यह कह रहा है कि ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होंगी। अगर आप प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाइएगा तो रोट लर्निंग की ज़रूरत बच्चे के अंदर नहीं आएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए मोर नॉन्स्ड असेसमेंट ऑफ वेदर द चाइल्ड इज़ लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट वर्क माइट हेल्प मिटिगेट द प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ द मार्केट एज रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स दैट पेरेंट्स कैन बाई। It will also help to modify the prevailing belief that increased marks on a project work translates into easy marks to be gained with the least effort. तो इस चीज़ में सोशल साइंस ऑफ में जो हायर सेकेंडरी में है उसमें सिर्फ ये पहले तो इसके स्ट्रीम के बारे में बताया गया यहाँ पे कि किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस बेसिस से डिवाइड होते हैं, और जब हायर सेकेंडरी स्कूल में के अंदर सोशल साइंस में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये सब यहाँ पर बताया गया। उसके बाद सोशल साइंस के हायर सेकेंडरी इस स्टेज पर उसके ऑब्जेक्टिव बताए गए कि बच्चे किस तरह से एक्सप्लोर और अपने आप को इंटरेस्ट के में ला पाएंगे इस स्टेज पर सोशल साइंस पढ़ने के लिए। बच्चे को किस तरह से इनक्रेज करना होता है हायर लेवल पर, तो डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन ऐड करके, और बच्चे के अंदर किस तरह से प्रमोट किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ सिटीजनशिप बच्चे के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। इसमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है डिफरेंट वेज ऑफ डेटा कलेक्टिंग से, और उसके स्पेसिफिक डिसिप्लिन के इंफॉर्मेशन से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर अप्रोचेस ऑफ टीचिंग आती है, इसमें इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसके अंदर जो है क्रिएटिविटी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इसके अंदर पार्टिसिपेटिव मेथड होना चाहिए पढ़ाने का, और एक्टिव मेथड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक टाइप कल्चर होने चाहिए क्लास के, ताकि लर्नर्स और टीचर्स दोनों साथ में इन्वॉल्व होकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोलते जाएँ और बच्चे पैसिव रहें, बच्चे सुनते ही रहें, और बच्चे के अंदर की जो क्वेश्चन है, बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज लेकर आए हैं क्लास में, उस चीज़ों को अपने बाहर ना निकाल पाए, टीचर के सामने नहीं बोल पाए, तो ये पैसिव हो जाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट। इसलिए क्लास में डेमोक्रेटिक कल्चर होना ज़रूरी होता है, और पार्टिसिपेटरी मेथड होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन मेथड यूज़ करना चाहिए जो अप्रोच का होता है टीचिंग अप्रोच का। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड वगैरह यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं रोट लर्निंग से दूर रहें, और जो विजुअलाइज करके बच्चे सीख रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड से, वो बच्चे के अंदर लॉन्ग लाइफ रहती है, वो जो नॉलेज होती है वो लॉन्ग लाइफ चलती है। बच्चे जो बच्चे रोट लर्निंग करते हैं वो एक टाइम में जाकर ख़त्म हो जाती है, और बच्चे के ऐसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, रोट लर्निंग से
ख़त्म हो जाती है, इसलिए प्रोजेक्ट मेथड वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ये टीचिंग ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचर ट्रेनिंग एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इतना ही है, उसके बाद सोशल साइंस का ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का पोजिशन पेपर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।